देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों दोस्तों, आज एक नए एपिसोड के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से जुमा मुबारक, उसके बाद वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको नफ्स को लंबा मोटा और सख्त करने के हवाले से, अगर आप चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपके नफ्स की लंबाई इतनी हो जाए कि जिस जैसे आपके जवानी में थी और जैसे आपके कुदरती एक इंसान की लंबाई होती है, आप उसको रिकवरी करना चाहते हैं, आप दोबारा अपने नफ्स को अपनी जगह पर लाना चाहते हैं, यानी 5 से 6 इंच कुदरती लंबाई होती है, जो कि जिससे तो ना तो औरत डरती है उस नफ्स से, ना ही उसको मुश्किल होती है। वो 5 से 6 इंच का नफ्स आराम से औरत के अंदर दाखिल हो जाता है। अगर इसे लंबा होगा, बड़ा होगा, तो औरत कतराएगी, डरेगी, खौफ करेगी कि इतना बड़ा उजू है उसके पेट में लगेगा बच्चादानी की जगह से। तो इसलिए लंबे उजू वाले जितने भी रहते हैं वो भी परेशान रहती हैं, औरतें भी, मर्द भी, ठीक है, औरत डरती है मुबाशरत से। तो 5 से 6 इंच एक ऐसा नॉर्मल साइज़ है कि जिसमें आराम से मुबाशरत हो सकती है। तो अगर आप इतना साइज़ करना चाहते हैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, तो आज मैं आपको एक ऐसा तेल बताऊँगा, सिर्फ एक तेल है, सिर्फ और सिर्फ एक तेल है। उसकी मालिश से आपने उसकी मालिश का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो मैं आपको बताऊंगा आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो चल के। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो अभी रेड बटन पर नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, ताकि आप जो भी वीडियो आपको चाहिए मैं अपलोड करूँगा तो वो आपको आसानी के साथ वो मिल जाएगी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक तेल इस्तेमाल हुआ है, बहुत जल्दी से वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और वो कहते हैं कि शॉर्ट टाइम में बनाया करें, ताकि आप हम आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और वीडियो भी पूरी वॉच कर सकें। तो वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शॉर्ट करूँगा। वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल होती है, उसका नाम है रोगन बलसान। रोगन बलसान, रोगन बलसान आपने आसानी के साथ, आपने पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा आसानी के साथ, लेकिन इसकी पहचान ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने असल वाला रोगन बलसान लेना है। अगर आप किसी, आपके घर के पास कोई तकरीबन बहुत पुरानी दुकान है पंसार स्टोर की और बहुत ज़्यादा पुरानी है और उस पर कोई बुज़ुर्ग वगैरह बैठते हैं, तो आप उनसे ख़रीदें, वो आपको धोखा नहीं देंगे। कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो आपको धोखा नहीं देंगे इंशाल्लाह, और आपको अच्छी चीज़ देंगे। रोगन बलसान आपको, उनको बोलें कि हमें किसी कंपनी का नहीं चाहिए, ये हमें आपका अगर कशीद किया हुआ तेल है तो आप वो हमें दे दें। अगर कोई कंपनी आप समझते हैं कोई अच्छी कंपनी है, जैसे कि पाकिस्तान में हक प्लांटर्स की कोई प्रोडक्ट्स चल रही हैं, तो अगर वो है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमदर्द या मरहबा की भी हैं तो वो भी बहुत अच्छी हैं, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन असल होना चाहिए रोगन बलसान। थोड़ा सा महंगा है, 500 या 600 रुपया लगेगा आपका, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि सांडे के तेल से ज़्यादा असर करता है। सांडे का तेल होता है, जल्दी असर करता है सबसे ज़्यादा, फ़ौरन लगाएंगे उसी वक्त असर करेगा, लेकिन ये सांडे के तेल से भी ज़्यादा असर करता है। लगाने का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, किस तरह लगाना है कि आपने अज़ुए ख़ास के ऊपर, आपने सबसे पहले आपने उसको नीम गर्म पानी के साथ साबुन के साथ धोना है। साबुन कौन सा इस्तेमाल करना है, वो काला साबुन इस्तेमाल करना है, ठीक है, काला साबुन आपने इस्तेमाल करना है, ये दूसरा साबुन नहीं करना। उससे अच्छे तरीके के साथ धोएं, फिर उसको खुश्क करें, खुश्क करने के बाद उसको सूखने दें, जब वो बिल्कुल ड्राई खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल असल हालत में आ जाएगा, उसके बाद आपने उसके ऊपर तेल अप्लाई कर देना है। तेल आपने मालिश कैसे करनी है, एक उंगली की मदद से, उंगली तेल लगाकर उंगली से यूँ साइडों पर ऊपर मालिश करनी है, और नीचे नहीं लगाना, नीचे अगर लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैसे तेल का ज़िया है। साइडों पर ऊपर लगा दें, नफ्स की कैप के ऊपर लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर जिन लोग जो लोग डिस्चार्ज होते हैं वो बेशक ना लगाएं। ये आपने सुबह शाम लगाना है, सुबह भी ये तेल लगा कर छोड़ दें, शाम को धोकर फिर तेल लगा लें, फिर रात को सो जाएं, फिर सुबह उठकर फिर धोकर फिर दोबारा तेल लगा लें, इसी तरह साबुन के साथ धोना है। हर दफ़ा जब भी धोना है साबुन के साथ धोना है, और वो काले साबुन के साथ धोना है जिससे अक्सर कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, ठीक है, वो साबुन आपने यूज़ करना है। उसके बाद ये है कि आप इसको जो है वो अपने पास सेव कर रखें और इस्तेमाल करते रहें। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि आपके नफ्स के अंदर ख्वातिर ख्वाह लंबाई हुई है, और आपको फील नहीं होगी, वैसे बैठा हुआ नफ्स आपको फील नहीं होगा, जब नफ्स के अंदर तनाव या टाइटनेस आएगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि नफ्स की लंबाई कितनी हो रही है और कितनी उसमें मोटाई हो रही है और उसके अंदर कितनी ताकत पावरफुल हो गया है नफ्स, ठीक है। तो ये था आज का नुस्खा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, नहायत आसान वीडियो है। अगर आप इसी तरह की नहायत आसान एक दो अज्जा पर मुश्तमिल वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। मेरे हक में ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं मिलता हूँ कल इसी तरह की किसी अच्छे नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।